हम इस समय मौजूद हैं मुख्य डाकघर गाजीपुर में और यहाँ पर लाखों के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं और बिल अलग अलग हैं, ऐसा ही मामला सामने आया है। सर, आपने आरोप लगाया है, कब ये आरोप लगाया गया था आपकी तरफ से? ये हमारी तरफ से कम 15 जून से आरोप लगाया गया है, लगभग 4.5 महीने से ऊपर हो चुका है जी। और अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई किसी भी स्तर से नहीं किया गया है। किसको किसको इस बारे में आपने जानकारी दी? ये जो अधिकारी, जैसे डिविजनल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, चीफ पीएमजी ऑफिस है और डायरेक्टरेट हमारा है, इन सभी को हमने पत्र, ईमेल, हमारे पास जो फोटोज उपलब्ध हैं, जो हमारे पास वीडियोज उपलब्ध, सीक्रेट वीडियोज हैं, वो सारे हमने उपलब्ध करा रखे हैं। उन सभी के माध्यम से आपने पूरी जानकारी विभाग को दी है? इसके नाम पर पिछले 3-4 अधीक्षक जो भी रहे हैं उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, केवल स्टेटमेंट जो है हमेशा न्यूज़ मीडिया में देते रहे हैं कि हमने कमेटी गठित कर दिया है, लेकिन आज 3-4 महीने के बीच में कोई अधिकारी हमसे पूछने तक नहीं आया कि इसमें जांच क्या हो रही है या क्या आपका आरोप है। जो है जांच के नाम पर केवल जांच की बात कही जा रही है, कमेटी गठित करने का दावा किया जा रहा है। 2 महीने के अंदर 3 अधीक्षक बदले गए हैं, लेकिन जांच के नाम पे सभी अधीक्षकों ने यही कहा है कि कमेटी गठित की गई है और जांच की जा रही है। बता दें कि इससे पहले भी हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन इसके बावजूद जो ये आरोप लगाए गए हैं इसकी न जांच की जा रही है न आगे की कोई भी कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान डाक अधीक्षक महोदय की कार्यशैली बिल्कुल ही खराब है हमारे हिसाब से, और वो जो है हमें परेशान करने के अलावा जो दोषी कर्मचारी है उसका संरक्षण कर रहे हैं, और इसमें ऊपर के अधिकारियों का भी हाथ है। सुनने में आया है कि वर्तमान डाक अधीक्षक ने भी अपना ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट दे दिया है, क्योंकि वो मतलब डिवीजन चलाने में असमर्थ है। तो ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं, और देखने वाली बात ये होगी कि क्या डाक अधीक्षक बदलने का खेल ही चलता रहेगा मुख्य डाकघर गाजीपुर में, या ये जो आरोप लगाए गए हैं इसकी जांच भी होगी। गाजीपुर से उज्ज्वला ITV के लिए।